अस्सलाम असलकुम माई डियर स्टूडेंट हा भाई यू हमारे आज का सब्जेक्ट जो है वो मैथ्स है हमारे मैथ्स के तीन जो चैप्टर्स है वो लेसन हैं वो ख़त्म हो चुके हैं अब है हमारी वर्ड सीट नंबर वन तो चलो बेटा आज हम लोग करेंगे हमारा वर्ड सीट वन नंबर वन तो पहला क्वेश्चन है हमारा टी करेट द हेवियर ऑब्जेक्ट मतलब ये दोनों में से जो हैवियर है जो ज़्यादा वजन वाला है उस पर हमें टिक करना है ओके बेटा तो चलो कौन ज़्यादा हैवियर है ये छोटा पर्स या, या बिग पर्स ये ऑल के ये बिग वाला पर्स है तो यहाँ पर हम लोग टिक करेंगे अब सेकेंड है टिक द करेड बास्केट डेट हैज लेस मतलब जिसके बास्केट में कम औरेंजेज है उस पर हमें टिक करना है तो देखो ये पहले वाले पे तो बहुत ज़्यादा है राइट और यहाँ पर कम है तो यहाँ पे हम लोग टिक करेंगे ओके okay, बेटा समझ में आया ये आपको नोटबुक में करना है फर्स्ट सेट अगर आपके पास टेक्सट बुक है तो आपको टेक्स बुक में ही करना है पर अगर आपके पास नोटबुक बुक टेक्स बुक नहीं है तो आपको नोटबुक में करना है और आपके जो भी ये पिक्चर्स है वो आप अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं जैसे यहाँ पे छोटा सा सर्कल कर दिया यहाँ पे बिग सर्कल कर दिया राइट यहाँ पे जैसे ऑरेंज है तो अगर आप दो तीन पाँच छः अगर राउंड कर दो सर्कल कर दो के छोटे छोटे और यहाँ पे तीन चार सर्कल कर दो के छोटे छोटे तो वो भी चलेगा ओके बेटा चलो अब हमारा है क्वेश्चन नंबर थ्री काउंट एंड राइट द नंबर एंड नंबर नेम तो हमें पहले काउंट करना है और हमें उसे नंबर में नेम में लिखना है तो देखो यहाँ एडियसर कितने हैं वन टू एंड थ्री ओके बेटा तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे थ्री और हमारी इसकी स्पेलिंग है टी एच आर डबल ई थ्री ओके बेटा चलो पेंसिल काउंट करो वन टू तो थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो यहाँ पे कितनी कितनी पेंसिल है बेटा एट अब यहाँ पे हम लोग लिखे कि ई आई जी एच टी एट ये हमारी एट की स्पेलिंग के साथ हमारा ये तीन क्वेश्चन हमारे खत्म हो चुके हैं ओके बेटा चलो अब हम लोग चलते हमारे नेक्स्ट पेज पर ये है वर्ड सि हमारी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर नाइन्टी फाइव पर यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज नंबर नाइन्टी फाइव चलो अब तो हमारा है पेज नंबर नाइन्टी सिक्स क्वेश्चन नंबर फोर फील इन द ब्लैंक्स विद लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन ओके बेटा तो यहाँ पे देखो पहला है सेवन थ्री तो सेवन थ्री से बड़ा है राइट तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा चलो यहाँ पे आएगा ग्रेटर देन ओके कि सेवन थ्री से बड़ा है अब यहाँ पे है फोर एट तो फोर एट से छोटा है राइट तो यहाँ पे आएगा लेस देन अब यहाँ पे है फाइव फाइव मतलब ये इक्वल हुआ तो यहाँ पे हमारा आएगा इक्वल ओके आपको समझ में आया चलो अब हम लोग करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव फिल इन द मिसिंग नंबर हमें यहाँ पे मिसिंग नंबर लिखना है यहाँ पे कौन सा है टू है तो यहाँ पे आएगा थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ओके सबको समझ में आया बेटा चलो अब भाई हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स राइट द नंबर्स इन द एसेंडिंग ऑर्डर मतलब एसेंडिंग ऑर्डर मतलब हमें छोटे से बड़े नंबर्स पे हमें लिखना है ओके तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है तो थ्री है तो पहले हम लोग थ्री लिखेंगे उसके बाद क्या है फोर तो हम लोग फोर लिखेंगे उसके बाद है सेवन तो हम लोग सेवन लिखेंगे और लास्ट में बचा है हमारा एट ओके समझ में आया चलो क्वेश्चन नंबर सेवन एट बाई काउंटिंग फिंगर मतलब हमें याद है मैंने आपको चैप्टर में समझाया था कि फिंगर से हमें काउंट करना होता है तो जो पहले वाला नंबर है वो हमें माइंड में सेट करना है कि सेवन है उसके बाद हमें कितनी फिंगर ऐड करनी है हमें दो तो सेवन के बाद हमें दो फिंगर ऐड करनी है तो चलो करो सेवन के बाद एट एंड नाइन तो हमारा आंसर क्या आया बेटा यहाँ पे आया हमारा आंसर नाइन वैसे ही यहाँ पे है पहला फाइव तो फाइव हमें माइंड में रखना है और फिर हमें कौन कितने ऐड करनी है फिंगर थ्री ऐड करनी है ओके okay? तो चलो फाइव के बाद क्या आएगा सिक्स आएगा सिक्स सेवन एट तो हमारा आंसर है यहाँ पे एट क्लियर और क्लियर बेटा चलो क्वेश्चन नंबर एट एड ऑन द नंबर लाइन टू प्लस फाइव ओके okay, बेटा तो हमें यहाँ पे पहले नंबर ऐड करना है यहाँ पे टू तो यहाँ पे हमें जाना है वन वन एंड टू ओके और उसके बाद कितना ऐड करना है हमें फाइव ऐड करना है तो वन टू थ्री फोर फाइव तो हमारा आंसर क्या आया सेवन तो टू प्लस फाइव इक्वल टू सेवन ओके बेटा क्लियर चलो अब नाइन है हमारा सॉल्व मतलब हमें यहाँ पे एक सम दिया गया है जिसे हमें सॉल्व करना है तो पहले मैं आपको यहाँ पे नीचे उसका एक एक करके सॉल्व करके दिखाऊंगी जैसे पहला ए है राइट तो पहला हम लोग पढ़ेंगे सूजा है सर थ्री बलून्स ओके तो सूजा के पास कितने हैं थ्री बलून्स है सीमा है सर टू बलून्स तो यहाँ पे आएगा प्लस टू हाउ मैनी डू दै टू डू द मतलब वो दोनों साथ में उनके पास कितने बलून होंगे तो यहाँ पे हमें काउंट करो वन टू थ्री और ये कितने हैं टू ओके तो काउंट करो वन टू थ्री फोर फाइव तो आंसर क्या आया हमारा फाइव तो ये फर्स्ट ए का जो नाइन में जो ये ए है उसका आंसर आएगा हमारा यहाँ पे फाइव ओके okay, बेटा चलो अभी हमारा बी उसका हम लोग यहाँ पे बाजू में करते हैं अंजू है सर सिक्स मार्बल्स कितने हैं अंजू के पास सिक्स हैं। हरी है सर थ्री मार्बल्स तो यहाँ पे आएगा प्लस थ्री हाउ मैनी मार्बल टू दे है मतलब वो दोनों के पास कुल मिला के कितनी होगी तो चलो हमें यहाँ पे पहले सिक्स है तो हम सिक्स नाइन करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और यहाँ पे कितनी है थ्री है वन टू एंड थ्री अब दोनों को काउंट करो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो यहाँ पे आंसर आया हमारा नाइन चलो बेटा आप सब सबको ये समझ में आया पहला हमारा जो ये था ये कंप्लीट हो गया हमारा उसके बाद हमारा ये वाला पेज भी कंप्लीट हो गया है ये आपको नोटबुक में भी करना है ओके जिसके पास अगर टेक्स्ट बुक है उनको भी नोटबुक में करवाना है कंपलसरी है दोनों में करना टेक्स बुक में भी और नोटबुक में भी जैसे मैंने आपको पहले यहाँ पे बताया था अगर ये आपको ड्रॉ करना नहीं आता तो आप अपने हिसाब से कोई भी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं ओके आप सबको समझ में आया कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करजिए करना ज़रूरी है हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अगर अपलोड कर रहे हैं तो वो आप तक पहुंच जाए और हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा